in this module we are going to study the consumer behavior under the heading of consumption bundle this combination of the two words mean the consumption bundle we are mostly utilizing in our study of microeconomics so what is the meaning of this consumption bundle when we say a consumption bundle we define this that these are the combination or the group of those objects that अ कंज्यूमर इज गोइंग टू सेलेक्ट और अ कंज्यूमर इज गोइंग टू परचेज सो दैट कम्बिनेशन विल बी कॉल्ड द कंजम्पन बंडल एंड दिस कंजम्पन बंडल इट रिप्रेजेंट्स दैट बास्केट ऑफ द गुड्स जो एक हाइपोथेटिकल बास्केट जिसको हम कहते हैं कंबिनेशन ऑफ गुड्स और द सर्विसेज जिसको कंज्यूमर जो है वो आइदर परचेज कर रहा है या डिज़ायर टू परचेज अगर हम टू कमोडिटीज़ के बंडल को एक साइड पे रख रहे हैं और इसी तरीके से दूसरा बंडल भी हमारे पास मौजूद हो सकता है तो हमें यह देखना होगा कि जो दोनों बंडल हैं हो सकता है कि उन दोनों में गुड्स वही हों यानी वही शय इसमें भी हो वही शय दूसरे में भी हो तो व्हेन देयर विल बी द टू डिफरेंट तो इन दोनों को नोटेशन हम डिफरेंट दे रहे होंगे क्योंकि हो सकता है किसी एक में मैं अगर इस पर कहूँ कि अगर एक बास्केट है जिसमें तीन माल्टे और दो सेब हैं और उसी तरीके से एक बास्केट है जिसमें दो माल्टे और तीन सेब हैं तो इंडिविजुअल कमोडिटी सेम है यानी वही हम कहें कि माल्टा और सेब लेकिन चूंकि दोनों की तादाद और तरतीब अलहदा हो गई तो एक हमारा बंडल अलहदा बनेगा दूसरा बंडल जो है वो हमारा अलहदा होगा और इसी तरीके से अगर हो सकता है किसी में एक तादाद बढ़ जाए पाँच की बजाय एक में छः शह हों दूसरे में पाँच अशिया हों तो हम ऐसे बंडल में जब क्वांटिटी डिफरेंट होगी तब भी हम इसको सेपरेट बास्केट के तहत लेके चलेंगे और जब भी हमने इसको लेना होगा तो हमारी एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट यहाँ कंप्लीट से मुराद क्या है यहाँ कंप्लीट से मुराद हम जब भी कहेंगे कि दैट इज़ नॉट ओनली द लिस्ट ऑफ द कमोडिटीज एंड द सर्विस अवेलेबल रादर उस कंप्लीटनेस के पेराए में हमें कंज्यूमर का पूरा बिहेवियर देखना होगा कि उसको ये चीज़ किस टाइम पे रिक्वायर्ड थी और उस टाइम के तहत अगर हमें देखेंगे कि उसके साथ की जो अदर फैक्टर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से थे तो जो वर्ड ऑफ कंप्लीट है उसकी अगर हम कंप्लीट एक्सप्रेशन के तौर पे देखें तो कंजम्पशन बंडल में जो कंप्लीटनेस है वो उस कंज़्यूमर बिहेवियर के तमाम पहलुओं को देखते हुए हमें देखना होगा कि व्हेन द कंज़्यूमर वाज गोइंग टू यूटिलाइज़ दैट थिंग उस वक्त उसका टाइम क्या था क्या उसकी कोई पर्टिकुलर वेदर नीड थी या कोई इवेंट की बेस पे नीड थी या अगर वो इस्तेमाल कर रहा था तो उसकी लोकेशन का फ़र्क होगा अब ये बिल्कुल इसी तरीके से है हम जब कंज्यूमर बिहेवियर की असेसमेंट करेंगे कि टुडेज नीड यस्टरडे नीड एंड द फ्यूचर नीड तो तीनों में फ़र्क हो सकता है उसी तरीके से आप अगर देखें तो कुछ चीज़ें हमें सर्दी के लिहाज से चाहिए होती हैं तो हो सकता है उसी बंडल को हम गर्मी के मौसम में डिज़ायर ना करें कोई चीज़ हमें बारिश के मौसम में चाहिए होती है तो हम उसको गर्मी में ना लें इसी तरीके से हिल एरिया है हमें उसके लिए अपने ट्रैवल के टूर्स में कुछ चीज़ें चाहिए होंगी कुछ हो सकता है मैदानी इलाकों की नीड टोटली डिफरेंट हो तो ये वो अगर हम पैराए को लाजमी तौर पे सामने देखें तो कंजम्पशन बंडल और उसकी प्रेफरेंस के दोनों के साथ साथ हमें इस चीज़ को देखना होगा कि द वर्ड कम्प्लीट एक्सप्रेस करे कि वो सिर्फ कमोडिटी की तादाद नहीं है वो उसके साथ अटैच्ड फीचर्स भी हैं जिसको हमें लाजमी तौर पर मद्देनजर रखना होगा अब कंज़्यूमर बिहेवियर में जिस तरह कंज्यूमर कभी भी ज़िंदगी में सिर्फ दो अशिया तो नहीं इस्तेमाल कर रहा होता वो एक वैरायटी ऑफ गुड्स को इस्तेमाल कर रहा होता है सर्विसेज को इस चीज़ को चूँकि हमने जब अपनी इकनॉमिक्स की एलस्ट्रेशन में या ड्राइंग्स में इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास एक्सेस सिर्फ दो अवेलेबल हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसलिए हम अपने इन कंजम्पन बंडल्स में जब उस चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसके दो सेटअप बनाते हैं हम कहते हैं कि एक चीज़ जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं या जिस पर हम मेन फोकस कर रहे हैं एक वो है और उसके अलावा जितनी भी कंज्यूमर की डिमांड में कमोडिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं हम उसको कहते हैं ऑल अदर गुड्स अब यहाँ ऑल अदर गुड्स का पर्पस ही ये है कि कंज्यूमर अपनी लाइफ में जितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है उसको हमने एक बंडल बना दे और जो एक जिसपे हम फोकस कर रहे हैं जिसमें प्राइसिस चेंज हो सकती हैं हम उसमें बिहेवियर चेंज देखना चाह रहे हैं कंज्यूमर का कि कैसे उसकी मुख्त प्राइसिस के चेंज होने से क्वान्टिटी डिमांड पे तो जिसके ऊपर अनैलिसिस कर रहे हैं उसको हम एक और दूसरे को रखेंगे इसीलिए जब हम इन दो के पार्ट में उस पर चलेंगे तो हम देखें तो इनकम को हम अगर देखते हैं तो कंज्यूमर की जो इनकम है वो कभी भी अपने अखराजात से ऊपर नहीं होगी ये हमारी एक मेन एजम्पन थी तो अब इनकम को अगर हम डिवाइड करते हैं कमोडिटी या कमजम्पन बंडल ए की प्राइस से तो इनकम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स ये एक पार्ट हो जाएगा एंड ऑल अदर पार्ट ऑफ द इनकम विल बी स्पेंड ऑन द परचेज और द कंजम्पन ऑफ ऑल अदर गुड्स तो अब अगर हम उसको एक्सप्रेस करें तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय द कमोडिटी परचेज प्लस एक्स टू और वो एक्स टू में क्या है ऑल अदर गुड्स और द कंजम्पन बंडल इट शुड बी आई दर इक्वल टू एम और आई जिसको हम इनकम से नोटेट करेंगे और इट शुड बी लेस देन सो जितना भी एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर का वो या इक्वल टू इनकम होगा या उससे लेस देन होगा तो हम इस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करेंगे अब इसी में अगर हम देखें तो कंजम्पशन बंडल को नोटेशन देते हुए अगर हम एक बंडल को ले रहे हैं हमने उसको लिखा तो हम कह सकते हैं कि वो बंडल में कमोडिटीज़ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड अप टू एक्स एन हो सकती हैं उसी तरीके से जो दूसरा बंडल है उसमें भी इसी तरीके से वन टू थ्री फोर करते हुए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और इस बंडल में जो भी एक्स को हम नोटेशन दे के इस्तेमाल कर रहे हैं कि आइथ फॉर्म ऑफ द मेंबर ऑफ दैट है तो वो हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए नॉन नेगेटिव से मुराद है कि कमोडिटी की क्वांटिटी अगर वहाँ नहीं आ रही तो वो हमारे उस सेट का हिस्सा नहीं बन रहा तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि कंज्यूमर किसी चीज़ को नॉन नेगेटिव जो है नेगेटिव की फॉर्म में इस्तेमाल करे तो वो जब भी कमोडिटी को हम लेंगे वो नॉन नेगेटिव होगी यानी उसका वजूद उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद होनी चाहिए डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कि उसकी क्वांटिटी चाहे बहुत थोड़ी सी हो अदरवाइज ज़ीरो कमोडिटी हमारे इस कंजम्पशन बंडल में नहीं हो सकती और जो कंजम्पशन बंडल में जितनी भी हमारी कमोडिटीज़ हैं उसकी प्रॉपर्टी में हमारे पास हम जब भी लेंगे तो देखें उसमें हमारे पास एक फ़ीचर है कि उसकी क्वांटिटी को हम लमसम ले सकते हैं हम उसको पीसीज़ में नहीं लेंगे वो परफेक्टली डिविजिबल हो सकती है और वो जो परफेक्टली डिविजिबल में हम उसके फिर यूनिट्स रखेंगे कि वो इस यूनिट से वहाँ पे या दूसरे में लेकिन जब हमने उसको एक्सप्रेस करना है तो हम हमेशा उसको जब भी करेंगे हम उसको डिस्क्रीट अमाउंट्स में करेंगे हम ये जब भी लिखेंगे तो हम उसको यूनिट्स इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जब हम इस्तेमाल करते हैं हम अगर ऑरेंज की बात करेंगे तो हम कहते हैं वन ऑरेंज अगर इसी तरह एप्पल है इट मीनस वो कंप्लीट फॉर्म में है वो आधा या तीन चौथाई या वो नहीं है ये और बात है कि वो डिविजिबल है हम उसके हिस्से किए जा सकते हैं लेकिन वो करने के लिए फिर अगर हम उसको यूटिलाइज करेंगे तो उसको उसी फॉर्म में एक्सप्रेस भी करेंगे